हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको पढ़ाऊंगी आपकी बुक की एक्सरसाइज 14.2 क्वेश्चन नंबर 4। बेटा आज हम जितने भी क्वेश्चन करेंगे सभी सिर्फ एक फॉर्मूले पे करेंगे। कौन सा? ये फॉर्मूला, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या कहता है? एक बार दोनों को जोड़ दो और एक बार घटा दो, मतलब ए प्लस बी ए माइनस बी करना है। देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ए की पावर 4 लिखा है, ए की पावर 4 को आप ए स्क्वायर का होल स्क्वायर लिख सकते हो, लिख सकते हैं ए माइनस बी की पावर 4 को आप बी स्क्वायर का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है, अब बेटा फॉर्मूले से कंपैरिजन कर लेते हैं। ये बच्चों ब्रैकेट के अंदर जो लिखा है वो कैपिटल ए हो गया, ठीक है, और इधर ये कैपिटल बी हो गया। अब फॉर्मूला लगा लेते हैं। देखिए फॉर्मूला कहता है ए प्लस बी करो, मतलब दोनों को जोड़ दो, इन दोनों को जोड़िए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर जोड़ दिया। अब फॉर्मूला कहता है ए माइनस बी करो, इन्हें आप घटा दीजिए, मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख लो। ठीक है, अब बच्चों इसे वैसे ही लिख लो, यहां फॉर्मूला नहीं लग सकता। क्यों नहीं लग सकता? क्योंकि बेटा यहां प्लस साइन है। फॉर्मूला किसके लिए बना है? माइनस साइन के लिए बना है। ठीक है, तो इसे वैसे ही लिख दिया। अब बेटा यहां फिर फॉर्मूला लग जाएगा, यही वाला, इसे आप a पढ़ लो और इसे आप b पढ़ लो। ठीक है, देखिए ये हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। फॉर्मूला कहता है दोनों को जोड़ दो, मतलब a प्लस बी, है ना। फिर फॉर्मूला कहता है घटा दीजिए, मतलब a माइनस बी। इस तरह से बेटा इस क्वेश्चन के फैक्टर बन गए। अब बच्चों इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। p की पावर 4 को आप p स्क्वायर का स्क्वायर लिख सकते हो, ठीक है, और ये माइनस 81 को बेटा आप 9 का स्क्वायर लिख सकते हैं। इसे इस तरह लिख लेते हैं। अब बच्चों यहाँ फॉर्मूला लग जाएगा। देखिए ब्रैकेट के अंदर जो लिखा है आप इसे ए पढ़िए और इसे बेटा बी पढ़िए। फॉर्मूला लगेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। फॉर्मूला कहता है पहले जोड़िए फिर घटा दीजिए, तो कर देते हैं, पी स्क्वायर प्लस 9 जोड़ के लिख दिया। अब माइनस कर दीजिए, पी स्क्वायर माइनस 9 घटा के लिख दिया। ठीक है, अब बच्चों इसमें फॉर्मूला नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ प्लस साइन है, फॉर्मूला बेटा माइनस के लिए बना है। ठीक है, तो इसे बिल्कुल वैसे ही लिख लीजिए, ये पी स्क्वायर, आप इस 9 को 3 का स्क्वायर लिख सकते हो। ठीक है, पी स्क्वायर प्लस 9। अब बच्चों यहाँ फिर फॉर्मूला लग गया, आप इसे a पढ़ लो और इसे बेटा b पढ़ लो। फॉर्मूला लग सकता है ये बेटा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। फॉर्मूला क्या कहता है? पहले जोड़ दो फिर घटा दो, मतलब a प्लस b करना है, मतलब p प्लस 3। ठीक है, a माइनस b मतलब p माइनस 3। अब बच्चों इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। x की पावर 4 को आप x स्क्वायर का होल स्क्वायर लिख सकते हो। ठीक है, ये माइनस ये लिखा। अब बेटा इस पावर को आप इस तरह लिख सकते हो। क्या करा बेटा? 4 पावर थी, इसे बेटा तोड़ के लिख दिया, 2 × 2 कर दिया, हो गई 4। अब बेटा यहाँ फॉर्मूला लग सकता है। देखिए ब्रैकेट के अंदर जो लिखा है आप इसे a पढ़िए और इसे बच्चों b पढ़िए। फॉर्मूला क्या कहता है? ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। क्या होता है बेटा? पहले जोड़ के फिर माइनस करके लिख दो, मतलब ए प्लस बी करना है। आपने इसे ए पढ़ा, इसे बी पढ़ा, जोड़ के लिख दो, ए प्लस ये हो गया बच्चों बी। ये ए प्लस बी हो गया। अब बेटा ए माइनस बी करना है, मतलब इसमें से इसको माइनस करना है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। ठीक है, ये बच्चों ए प्लस बी और ये बेटा ए माइनस बी। अब यहाँ फॉर्मूला नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि बेटा यहाँ प्लस साइन है, फॉर्मूला माइनस के लिए बना है। ठीक है, तो इसे बिल्कुल वैसे ही लिख लो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। अब बच्चों यहाँ फॉर्मूला लग सकता है, यहाँ माइनस साइन है, फॉर्मूला माइनस के लिए बना है। ठीक है, आप बेटा इसे ए पढ़ लीजिए, x को a पढ़ लीजिए और बेटा ये जो ब्रैकेट के अंदर है आप इसे b पढ़ लीजिए। फॉर्मूला लगा देते हैं, देखिए किस तरह लगेगा। ये बेटा a स्क्वायर माइनस ये b स्क्वायर। फॉर्मूला कहता है आप जोड़ के लिख दो, मतलब a प्लस b का।
बेटा ए और ये बी, फॉर्मूला लगा देते हैं, ए प्लस बी मतलब एक्स प्लस वाई प्लस जेड, ठीक है, ये ए प्लस बी हो गया। अब ए माइनस बी मतलब एक्स में से इसको माइनस करना है, तो ये ए माइनस ये बच्चों बी, ठीक है। अब इसे वैसे ही लिख लो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। आप इस ब्रैकेट को हटा के भी लिख सकते हो, क्या लिख सकते हैं बेटा इसको, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, ये बच्चों एक्स। अब आप ध्यान दीजिए, ब्रैकेट के बाहर माइनस साइन है, यदि ब्रैकेट के बाहर आप माइनस साइन देते हो और ब्रैकेट को आप ओपन करना चाहते हो तो अंदर के साइन सिर्फ बदल दो। देखिए बाहर माइनस साइन है, ब्रैकेट ओपन करना ही अंदर के साइन बदल जाएंगे, ये प्लस का वाई है माइनस का हो गया, ये प्लस का जेड है माइनस का हो गया, इस तरह से बच्चों फैक्टर बन गए। अब बच्चों इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, एक्स की पावर फोर को आप एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है, ये माइनस चार पावर को बेटा आप इस तरह लिख सकते हो, एक्स माइनस जेड का होल स्क्वायर और पूरे की पावर टू। इस चार पावर को आपने ऐसे लिखा और इस चार पावर को बेटा ऐसे लिखा। अब बच्चों यहाँ फॉर्मूला लग जाएगा, ब्रैकेट के अंदर ये जो लिखा है आप इसे ए पढ़ लीजिए और इसे बेटा आप बी पढ़ लीजिए। फॉर्मूले के हिसाब से ये बच्चों ए स्क्वायर माइनस ये हो गया बी स्क्वायर। फॉर्मूला क्या कहता है, फॉर्मूला कहता है आप इन्हें जोड़ के लिख दो, मतलब ए प्लस बी करना है, कर देते हैं, ये बेटा ए और ये बी, ए प्लस बी दोनों को जोड़ के लिख दिया, ठीक है। फिर फॉर्मूला कहता है ए माइनस बी करो, आपको इसमें से इसको घटाना है, हो जाएगा ए माइनस बी, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस जेड का होल स्क्वायर, ये बच्चों a प्लस बी और ये बेटा a माइनस बी। अब बच्चों यहाँ प्लस का साइन है, हम फॉर्मूला नहीं लगा पाएंगे, क्यों, क्योंकि फॉर्मूला माइनस के लिए बना है, तो इसे सेम लिख लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस जेड का होल स्क्वायर। अब बेटा यहाँ फिर फॉर्मूला लग सकता है, देखिए आप इसे a पढ़ लीजिए और इसे बेटा आप b पढ़ लीजिए, तो फॉर्मूला हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। फॉर्मूला क्या कहता है, ए प्लस बी करो, मतलब इन दोनों को आपको क्या करना है, जोड़ना है, एक्स उसमें बेटा एक्स माइनस जेड जोड़ना है। फॉर्मूला कहता है ए माइनस बी करो, मतलब एक्स में इसे माइनस करना है, एक्स माइनस जेड, ठीक है, ये बच्चों ए प्लस बी हो गया और ये बेटा ए माइनस बी हो गया। अब इसे लिख लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस जेड का होल स्क्वायर। आप इस ब्रैकेट को सबसे पहले हटाओ, हटा दिया, हटा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, एक एक्स और एक एक्स हो गया बेटा दो एक्स और ये बच्चों माइनस का जेड, ठीक है। अब बच्चों इस माइनस का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, जब भी बेटा माइनस का ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई किया जाता है अंदर के साइन बदल जाते हैं, तो वही करेंगे, देखिए एक्स ये प्लस का एक्स है माइनस का हो गया, ये माइनस का जेड है प्लस का हो गया, साइन बदल गए, ठीक है, ये प्लस का एक्स माइनस का एक्स कैंसिल हो गया। अब बच्चों आप इसे और सिंपलेस्ट बना सकते हैं, देखिए ये बेटा मैंने एक्स स्क्वायर लिखा, ठीक है, यहाँ फॉर्मूला लग सकता है, कौन सा फॉर्मूला, ए माइनस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला, ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये फॉर्मूला बच्चों लग सकता है, ठीक है, इसे और लगा लेते हैं, देखिए आप इसे ए पढ़ लो और इसे बी पढ़ लो, फॉर्मूला क्या कहता है, ए का स्क्वायर करो, तो बेटा एक्स का स्क्वायर करा, ठीक है, फिर फॉर्मूला कहता है माइनस टू ए इंटू बी करो, ए बेटा एक्स है और बी बच्चों जेड है, तो एक्स इंटू जेड हो गया, ठीक है, ए इंटू बी हो गया। फिर फॉर्मूला कह रहा है बी का स्क्वायर करना है, बी मतलब जेड, तो बच्चों जेड का स्क्वायर कर लिया, ठीक है, यहाँ बचा टू एक्स माइनस जेड और यहाँ बचा बेटा जेड, ठीक है। अब इन दोनों को जोड़ोगे तो ये हो जाएगा टू एक्स स्क्वायर, टू एक्स स्क्वायर ये माइनस टू एक्स जेड और ये बच्चों जेड स्क्वायर, ठीक है। इन दोनों टर्म्स को आगे लिख लेते हैं, जेड पहले लिख लेते हैं और ये बेटा 2x माइनस z को भी आगे लिखें, आगे पीछे आप कर सकते हो, क्यों, क्योंकि बेटा ये सब मल्टीप्लाई है,
बच्चों मैंने इन दोनों को आगे लिख लिया और इसे बेटा इधर लिख लिया। अब बच्चों इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ए की पावर 4 को आप ए स्क्वायर का होल स्क्वायर लिख सकते हो, ठीक है। ये बेटा माइनस 2 ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ठीक है, इसे बिल्कुल वैसे ही लिखा। ये प्लस बी की पावर 4 को बच्चों आप बी स्क्वायर का होल स्क्वायर लिख सकते हो। अब बेटा यहाँ फॉर्मूला लग गया, कौन सा? ये वाला फॉर्मूला, ए माइनस बी के होल स्क्वायर का। देखिए आप इसे ए पढ़िए और इसे बेटा आप बी पढ़िए, ठीक है। फॉर्मूला देखिए, ए स्क्वायर तो बेटा ये हो गया ए स्क्वायर, ठीक है। फिर फॉर्मूला कहता है बी स्क्वायर तो बेटा ये बी स्क्वायर। फिर फॉर्मूले में बीच में देखिए माइनस 2 तो बेटा ये माइनस 2 ए इंटू बी, ये बेटा ए और ये बच्चों बी, ठीक है। फॉर्मूला पूरा बन गया। तो बेटा इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम क्या लिख सकते हैं, ए माइनस बी का होल स्क्वायर करना है। बेटा ए क्या है आपका, ए स्क्वायर माइनस बी क्या है बेटा, बी है आपका बी स्क्वायर और उसका होल स्क्वायर। ये पहला फॉर्मूला लग गया, ठीक है। अब आप ध्यान दीजिए, यहाँ फिर फॉर्मूला लग सकता है, कौन सा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। आप बेटा इसे ए पढ़ लो और इसे बच्चों बी पढ़ लो, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या कहता है, दोनों को जोड़ के और घटा के लिख दो। सबसे पहले ए प्लस बी करना है, तो बेटा ये ए है तो ए प्लस बी हो गया। फिर फॉर्मूला कहता है ए माइनस बी करो, तो बेटा ए माइनस बी करो, ठीक है। फॉर्मूला हमने बेटा अंदर लगाया, ये पावर वैसे ही लिखो। अब बच्चों दोनों ही फैक्टर पे होल पावर 2 है 2 बेटा आप अलग अलग भी लगा सकते हो, मतलब किस तरह से a प्लस बी का होल स्क्वायर ऐसा लिख सकते हो और इधर a माइनस बी का होल स्क्वायर ऐसा लिख सकते हो, ठीक है। इस तरह से बच्चों आज आपने फैक्टर निकालना सीखा। चलिए फिर मिलेंगे, फिर कुछ नया सीखेंगे, तब तक के लिए गुड बाय।